नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोसी ने तोड़ा 35 सालों का रिकॉर्ड, मंत्री संजय झा ने किया ट्वीट। बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर जनता दरबार पहुंचा फरियादी। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को लेकर विभाग का नया आदेश। बिहार बोर्ड 6ठी से 12वीं तक का हर वीक होगा टेस्ट। सीरीज गंवाने के बाद हार्दिक पांड्या के दिए गए बयान पर वेंकटेश प्रसाद ने जताई नाराजगी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोसी ने तोड़ा 35 सालों का रिकॉर्ड, मंत्री संजय झा ने किया ट्वीट। कोसी बराज से 4,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से कोसी नदी ने अपने 35 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऐसे में अब इन इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस बारे में जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लोगों को बाढ़ के खतरे से सचेत रहने की और जरूरत पड़ने पर जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि नेपाल में कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण आज सुबह वीरपुर स्थित कोसी बराज पर अधिकतम 4,62,345 क्यूसेक जल स्राव दर्ज किया गया है। इससे कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। बाढ़ से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी एवं अभियंता अलर्ट है और सभी तटबंधों की दिन रात निगरानी की जा रही है। साथ ही @WRD बिहार का कॉल सेंटर 24 घंटे कार्य कर रहा है। इसका टोल फ्री नंबर 1800-3456-145 है। बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर जनता दरबार पहुंचा फरियादी। इन दिनों बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली से जुड़े कई शिकायतें सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आयोजित जनता दरबार में भी एक फरियादी वैशाली से अपनी बिजली से जुड़ी शिकायत को लेकर सीएम नीतीश के सामने पहुंचा। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश को जानकारी देते हुए बताया कि पहले उसका बिजली बिल महज 150 रुपए के आसपास आया करता था, लेकिन अब उसका बिजली बिल 1 लाख से अधिक आया है। जिसे सुन सीएम नीतीश आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत इस मामले में अधिकारियों को तलब किया। उन्होंने अधिकारी को फोन लगाकर कहा कि वैशाली से एक शख्स आए हैं, जरा देख लीजिए, यह कह रहे हैं कि बिजली बिल में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, कभी कभी तो ये होता है ना, देख लीजिए। जिसके बाद इस फरियादी की शिकायत पर काम होना शुरू हुआ। पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त की परेड देखने के लिए इस गेट से करें एंट्री। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिहार की राजधानी पटना में कल यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। इस दौरान कई टुकड़ियों के द्वारा परेड का भी आयोजन किया जाता है और साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है। ऐसे में अगर आप भी उनमें से हैं जो कल गांधी मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कल गांधी मैदान में लोगों को अलग अलग गेट से एंट्री दी जाएगी, जिनमें गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का आगमन होगा, तो वहीं गेट नंबर 10 से विशिष्ट अतिथियों का प्रवेश होगा। इसके अलावा मीडिया के लोग गेट नंबर 9 से प्रवेश करेंगे और आम लोग गेट नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 से गांधी मैदान में प्रवेश करेंगे। राज्य के इन 5 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति रहती सर्वाधिक। शिक्षा विभाग उपस्थिति से संबंधित विश्वविद्यालयों की आधिकारिक रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रदेश के 15 पारंपरिक विश्वविद्यालयों में से 5 विश्वविद्यालयों के संबंध कॉलेजों में अनुपस्थित शिक्षकों की औसतन संख्या लगभग 400 के आसपास बनी हुई है। शेष 10 विश्वविद्यालयों के संबंध कॉलेजों में गैर हाजिर शिक्षकों की संख्या केवल 8% रही है। बता दें कि जिन 5 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति सर्वाधिक रही है, उनमें जयप्रकाश विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र और पूर्णिया विश्वविद्यालय के नाम शामिल है। मालूम हो कि मगध और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के संबंध कॉलेजों में पढ़ाई के दिन औसतन 100 से अधिक शिक्षक ऐसे थे जो बिना बताए अनुपस्थित रहे थे। अधिक मास का आज अंतिम सोमवार। आज यानी कि 14 अगस्त को सावन महीने का 6ठा और अधिक मास का अंतिम सोमवार है। ऐसे में आज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना काफी खास माना जाता है। बता दें कि आज के दिन अधिक मास की शिवरात्रि भी है, यही वजह है कि आज के दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आज सुबह से ही राज्य के सभी जिलों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। आज शिवरात्रि होने के कारण भी शिवालयों में ज्यादा भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। वहीं शिव तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए भक्त नंदी के कानों में अपनी बातों को कह रहे थे। आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास रहा। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को लेकर विभाग का नया आदेश।
इन दिनों बिहार में ट्रैफिक नियमों का पालन कराया जा सके इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कई नियम बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उन लोगों के लिए एक और नियम बनाए गए हैं जो बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। दरअसल अब ऐसे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा, वहीं अगर इसके बावजूद भी उनमें कोई सुधार नहीं देखा जाता है तो उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद वे वाहन चलाने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। मालूम हो कि इस संबंध में परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनंजी के द्वारा सभी जिलों के DTO, MVI और ESI को कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि इसके लिए नए मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें यदि एक बार ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर चालान काटा जाता है तो उसका डेटा सेव हो जाएगा, जिससे कि दोबारा नियम तोड़े जाने पर उस व्यक्ति की पहचान की जा सकेगी। बिहार बोर्ड 6 से 12 तक का हर वीक होगा टेस्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ने वालों के लिए यह खबर बेहद ही जरूरी है। दरअसल अब इन विद्यार्थियों को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से शुरू किए गए नए पहल के तहत हर सप्ताह टेस्ट से होकर गुजरना होगा, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पहल के तहत 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 10 अंक का टेस्ट आयोजित किया जाएगा, तो वहीं 9 से 12 के लिए अधिकतम 20 अंकों का टेस्ट आयोजित किया जाएगा। वहीं इस टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी गई है। मालूम हो कि इस टेस्ट में एक सप्ताह तक में पढ़ाए गए अध्यायों में से प्रश्न तैयार किए जाएंगे। इस दिन से बिहार से दिल्ली जाने शुरू हो जाएंगे पार्सल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार से दिल्ली जाने वाले पार्सल बुकिंग पर 12 से 15 अगस्त तक रोक दिया गया था। ऐसे में अब 16 अगस्त से एक बार फिर से बिहार से दिल्ली जाने वाले पार्सल की बुकिंग की शुरुआत हो जाएगी। मालूम हो कि दिल्ली से बिहार आने वाली बुकिंग पर भी फिलहाल रोक लगा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे के इस फैसले के बाद 12 अगस्त से पटना समेत अन्य स्टेशनों से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पार्सल की बुकिंग नहीं हुई। वहीं दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनों की बोगियों से पार्सल नहीं उतारे गए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त तक दिल्ली NCR के सभी स्टेशनों के प्लेटफॉर्म को खाली रखने के निर्देश दिए गए हैं। नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और पटना समेत राज्य के सभी स्टेशनों पर सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही। डिविजनल कमर्शियल इंस्पेक्टर विशाल सिंह ने बताया कि नई दिल्ली दिल्ली सराय रोहिल्ला आदर्श नगर हजरत निजामुद्दीन आनंद विहार गाजियाबाद सहित अन्य NCR के स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद की गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति, मगध, श्रमजीवी, वैशाली सुपरफास्ट, बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, गरीब रथ समेत तमाम ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ट्रक पर लोड शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से कई कोशिशें की जा रही है, लेकिन इन मामलों में कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल पा रहा, बल्कि शराब तस्करी के लिए और भी नए नए तरीके का इजाद कर रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला जमुई के सोनो थाना क्षेत्र के NH 333 सोनो चकाई मार्ग पर बटिया बाजार के समीप का है, जहां जमुई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सौर्य सुमन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान एक ब्लू रंग की अशोक लीलैंड गाड़ी से 277 कार्टून विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है, और साथ ही दो तस्कर को भी अपनी गिरफ्त में लिया गया है, जिनकी पहचान गिरिडीह थाना क्षेत्र के भेलवा घाटी के रंजीत कुमार यादव व चकाई थाना क्षेत्र के गमरिया के विकास कुमार यादव के रूप में की गई है। फिलहाल इस मामले की आगे की कार्यवाही की जा रही है। बिहार में बारिश के बाद सब्जियों की कीमत में लगी आग। बिहार में बारिश के बाद सब्जियों की कीमत में इजाफा हो रहा है। मालूम हो कि बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के भाव में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिनमें ज्यादातर हरी सब्जियों की कीमत 40 से 50 रुपए प्रति किलो के ऊपर है। बता दें कि राज्य के कई जिलों में छोटे आकार के चटैल की कीमत 160 रुपए प्रति किलो, तो वहीं फारस बीन की कीमत 140 रुपए प्रति किलो है। वहीं धनिया पत्ता 200 रुपए किलो, हरी मिर्च 80 से 100 रुपए प्रति किलो, कड़ी पत्ता 200 रुपए प्रति किलो, टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो, भिंडी 40 रुपए, बंध गोभी 30 रुपए, नेनुआ 40 रुपए, फूलगोभी 60 रुपए, जोड़ा गाजर 60 से 80 रुपए, कंदा 40 से 50 रुपए, बोरा 40 से 50 रुपए, कुंदरी 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इसके साथ ही कई और भी सब्जी ऐसे हैं जिनकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में सब्जी और भी महंगी हो सकती है। बिहार में होने वाली है 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि बहुत जल्दी बिहार में 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन की ओर से मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इसकी जानकारी आज दैनिक अखबार हिंदुस्तान के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट में दी गई है। मालूम हो कि इन 10,000 से अधिक पदों में अधिकांश नियुक्तियां BPSC एवं कर्मचारी चयन आयोग में हो सकती है। वहीं चिकित्सकों की नियुक्ति तकनीकी सेवा चयन आयोग एवं अन्य कई पदों पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
एम्स को लेकर सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर बोला हमला। इन दिनों दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा चल रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा एम्स को लेकर सीधे तौर पर बिहार सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के द्वारा राजद जदयू के बीच श्रेय की खींचतान के चलते दरभंगा में एम्स बनाने के मामले को उलझा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार हमें ये बताए कि उन्होंने 81 एकड़ जमीन वापस क्यों ले ली, यदि उन्हें मालूम था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल व्यस्त क्षेत्र में होने के कारण एम्स के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह जमीन क्यों दी गई। 2000 करोड़ रुपए से बनने वाले एम्स दरभंगा को सहरसा ले जाने के लिए नीतीश कुमार ने 15 जदयू सांसदों से ज्ञापन क्यों दिलवाया। अशोक पेपर मिल परिसर में एम्स के लिए जमीन देने की घोषणा किसके इशारे पर की गई थी। कौन चाहता था कि एम्स दरभंगा में न बने। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर बिहार सरकार पर और भी हमला बोला। प्रधानमंत्री पद को लेकर भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। इन दिनों बिहार समेत पूरे देश में गठबंधन इंडिया को लेकर ऐसी खबरें चल रही हैं कि इस गठबंधन से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां अपने शीर्ष नेता को इस पद पर देखना चाहती है, जिनमें आरजेडी भी शामिल है, जो प्रधानमंत्री पद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहती है। हालांकि इस पर नीतीश कुमार के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि वह ऐसा नहीं सोचते, लेकिन अब इन सबके बीच राजद के दिग्गज नेता भाई वीरेंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री पद को लेकर यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि जब जब बिहार के लोग अगुवाई करते हैं तो देश में परिवर्तन होता है। बिहार ने प्रथम राष्ट्रपति दिया था, ऐसे में अब मेरी व्यक्तिगत चाहत है कि प्रधानमंत्री भी बिहार से बने। पार्टी का हर कोई चाहता है कि बिहार का ही प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी से लालू तेजस्वी यादव की मुलाकात पर प्रशांत किशोर का तंज। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर के वारिस नगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी से तेजस्वी यादव और लालू यादव की हुई मुलाकात पर कहा कि इन चीजों का कोई महत्व नहीं है कि कौन किससे मिलता है, कौन बैठकर चाय पीता है, प्रेस वार्ता करता है। पिछले महीने विपक्ष की 26 पार्टियां बिहार में बैठी, इसके बाद बेंगलुरु में बैठी। मैं शुरू से कह रहा हूं कि दलों और नेताओं के बैठने से आप सशक्त विपक्ष और विकल्प नहीं हो सकते। जब तक आप कोई कार्यक्रम नहीं हो, नीति नहीं हो, जमीन पर कार्यकर्ता नहीं हो और लोगों में आपके प्रति प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आप चाहे जितने नेताओं के साथ बैठ जाए, इससे क्या होता है। जनता को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। जनता को इस बात से मतलब है कि उनके गांव में सड़क बनी कि नहीं, भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं, रोजगार मिला कि नहीं। सीरीज गंवाने के बाद हार्दिक पांड्या के दिए गए बयान पर वेंकटेश प्रसाद ने जताई नाराजगी। बीते दिन भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और 5वां मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत को 8 विकेट से हार मिली। वहीं हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के द्वारा दिए गए बयान पर अब उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके इस बयान पर पूर्व भारतीय गेंदबाजी कोच वेंकटेश प्रसाद के द्वारा भी नाराजगी जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत पिछले कुछ समय से सीमित ओवरों की बेहद सामान्य टीम रही है। उन्हें वेस्टइंडीज की उस टीम से हार का सामना करना पड़ा है जो कुछ महीने पहले T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही थी। हम वनडे सीरीज में भी बैन से हार गए थे। आशा है कि वे मूर्खतापूर्ण बयान देने के बजाय आत्ममंथन करेंगे। सिर्फ 50 ओवर ही नहीं, वेस्टइंडीज पिछले अक्टूबर नवंबर में T20 विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई करने में असफल रहा था। यह देखकर दुख होता है कि भारत खराब प्रदर्शन कर रहा है और प्रक्रिया की आड़ में इसे दबा दिया जाता है। वह भूख आग गायब है और हम एक भ्रम में रहते हैं। वे पराजय के लिए जिम्मेदार है और उन्हें जवाबदेह होने की जरूरत है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, उमेश श्रीदेव, धनंजय कुमार, रुनु गोलू कुमार, भान प्रकाश मौर्य, अमन कुमार, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, राजकिशोर महतो, मोटू रंगीला, सुदुल्ला पलवी, मोहम्मद फहीम, कन्हैया कुमार, सुशील कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत के हार के पीछे का क्या कारण है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।